हेलो एवरीवन, आईपीओ अलॉटमेंट आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के। सो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि हमें पता है कि केफिनटेक इसका रजिस्ट्रार था। मेन रजिस्ट्रार दो ही हैं फ़िलहाल, केफिनटेक और लिंकिन टाइम। तो केफिनटेक इसका रजिस्ट्रार था, मैं आपको लिंक अभी दे दूंगा जिससे आप अपना जो है चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आईपीओ सेलेक्ट करना है, पेन सेलेक्ट करना है अपना, आप नंबर डाल देंगे जो भी होगा, कैप्चा डाल देंगे नीचे। कैप्चा मतलब ये जो 929619 आपको आगे दिख रहा है मिरर इमेज, इमेज में जो नंबर्स हैं सबमिट कर देंगे, आपको सामने शो हो जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं है। जीरो सिक्योरिटीज अलॉटेड दिखाएगा जिसको नहीं मिला होगा, जिसको मिला होगा उसकी सिक्योरिटीज़ दिखा देगा। एक ये देखिए मेल भी आ रहा है सबको, वो आप अपना ईमेल आईडी चेक कर सकते हो कि इशू प्राइस क्या था और सारी चीज़ें। सिक्योरिटीज़ अलॉटेड देखिए यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है, 254 शेयर्स के लॉट था, सिक्योरिटीज़ अलॉटेड में जीरो दिखा रहा है, मतलब हमें नहीं मिला है, मुझे किसी भी अकाउंट में नहीं मिला। आपको मिला है या नहीं मिला है आप मुझे कमेंट में करके प्लीज़ बताइएगा। मैंने तो वैसे 7 अकाउंट से लगाया था लेकिन किसी में भी नहीं मिला, बैड लक ऑफ माइन। तो आईपीओ सब्सक्राइब भी ज़्यादा हुआ था, ये तो है ही है। अब आप देख लीजिए कि मेन मुद्दा जो है जिसके पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पैसे नहीं आए हैं अगर अभी आपके फ्री नहीं हुए, वैसे मेरे भी नहीं फ्री हुए हैं अभी। तो अभी आप 17 तारीख तक रुक सकते हो या कल तक रुक सकते हो, ठीक है। कल तक भी अगर नहीं आते हैं, क्योंकि आज रिफ़ंड का इनिशिएशन डेट है, अगर नहीं आते हैं तो ये दो ईमेल आईडीज़ होती हैं, ये मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। जिसने यूपीआई के थ्रू लगाया है उसके लिए है ये, ठीक है। जैसे गूगल पे फ़ोनपे के थ्रू ipo.upi@npci.org.in, या फिर जैसे रजिस्ट्रार इनका केफिनटेक था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात। इनका जो रजिस्ट्रार था वो केफिनटेक था, तो इसमें क्या किया जाता है, emil.ipo@kfintech.com। इनको दोनों को आपको मेल कर देना है अपनी बात बताकर कि आई हैव नॉट बीन अलॉटेड विद द शेयर्स एंड आपको जो है मुझे वो मेरा भी माई फंड्स आर नॉट अनब्लॉक्ड, माई फंड्स आर स्टिल ब्लॉक्ड। आपको इस तरीके से एक मेल कर देना है, तो वो आपको जो है आज या कल तक में वो फ्री कर देंगे। कल तक कर लीजिए, आज तो रिफ़ंड इनिशिएशन डेट ही है तो आज वेट कर सकते हैं। मेरा भी नहीं हुआ है अभी वैसे, तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक हो जाना चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको हमेशा के लिए बता दिया। अब क्या होता है कि यूपीआई का तो एक ही सिंगल है, ipo.upi@npci.org.in, ये ईमेल है। जो दूसरा वाला ईमेल होता है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अब जैसे रूट मोबाइल था तो rootmobile.ipo@kfintech.com, @linkintime.com, adaniwilmer.ipo@linkintime.com, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, जैसे इसका केफिनटेक था तो emil.ipo, वो हमेशा अपनी एक ईमेल आईडी क्रिएट कर देते हैं आईपीओ टाइम के लिए, जिससे कोई भी समस्या हो, रिफंड्स नहीं हो रहे हो, कोई दिक्कत आ रही हो, शेयर्स ना मिले हो, तो वो आपको जो है सारी चीज़ें इसी ईमेल के थ्रू बता देते हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। लोग दुनिया में बताते हैं आपको सेबी को कंप्लेंट करिए, ये सब करिए, बट सबसे बेस्ट और इजी वे यही है, इसको करके हम अपना जो हमारा अमाउंट ब्लॉक्ड हुआ है उसको अनब्लॉक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।